हेलो गाइस, दिस इज बाजी और आज मैं बात करने वाली हूँ 2005 में रिलीज फीस्ट मूवी की, जो कि एक हॉरर एक्शन मूवी है। एंड लिटरली गाइस, इसमें दिखाया गया जो मॉन्स्टर है वो कितना ज्यादा खूनखार है और कितना ज्यादा खतरनाक है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें पहला शख्स था पोजो, जो कि एक पेट्रोल पंप के पास वाले बार में खड़ा हुआ था। वहीं दूसरा था हार्ली मॉम, जो कि कुछ देर बाद ही उस बार को तोड़ने वाला था, जहां मूवी में और भी बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था और इन सब के नाम इनकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं। फिर सीन यहां से शिफ्ट होता है और बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटी के लोग अपनी ही धुन में मस्त थे कि तभी वहां पर खून से लथपथ एक इंसान आता है जिसके हाथ में गन थी और वो अचानक से सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम हीरो था। फिर जहां वो बंदूक दिखाकर सबको अपनी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन लोग तो से वहाँ पे लुटेरा समझ रहे थे, इसलिए वो भी अपनी अपनी गन तान लेते हैं। फिर हीरो अपनी गन नीचे रखता है और वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स के बारे में उन सब लोगों को बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि कुछ मॉन्स्टर का अटैक इस बार पर होने वाला है और हम सब की जान को यहाँ पर खतरा है। जहाँ वो उन्हें एक मॉन्स्टर की लाश पे दिखाता है और उस मॉन्स्टर के बारे में उन्हें बताने लग जाता है कि वो चार मॉन्स्टर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनके नाखून चाकू से भी ज्यादा तेज धार वाले हैं और वो लोग बस कुछ ही देर में यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आने वाले हैं। फिर जहाँ हीरो बार के सारे एग्जिट और एंट्री गेट को बंद करवा देता है और उनसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, वहाँ पे खड़े लोग जैसा जैसा वो कह रहा था वो सब वैसा ही कर रहे थे। साथ ही वो लोग उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर जहाँ हीरो उन्हें ये बताता है कि वो उन सबका रक्षक है और वो ही उन सबको यहाँ पे बचा सकता है, कि तभी अचानक से खिड़की में से एक मॉन्स्टर आकर हीरो को उठाकर ले जाता है और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से काट के उसको मार देता है। और जो लड़की उसको बचाने के लिए गई थी वो हीरो के खून से पूरी तरह से नहा लेती है, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इस डर की वजह से नर्वस होकर बारटेंडर की गन चल जाती है, जहाँ वो ऊपर के रूम में बैठे हुए बॉसमैन को जाकर लग जाती है। वहीं तभी एक लड़की भागते हुए बार के अंदर आती है और वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की उसी हीरो की वाइफ थी जिसे अभी कुछ टाइम पहले मॉन्स्टर ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। और वहीं दूसरी तरफ टफी नाम की एक लेडी, जिसका एक छोटा बेटा था, वो गोली की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे को अलमीरा में बंद करके चुपचाप से नीचे की तरफ आने लग जाती है कि नीचे क्या हुआ है। जहाँ पर उस लड़की को अपने हस्बैंड की लाश मिलती है, जिसका सर धड़ से अलग था और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं फिर ऊपर की विंडो से एक मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करने लग जाता है और हीरोइन जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और एक टेबल से खिड़की को ब्लॉक कर देती है। जहाँ वेट भी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक था और इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने अपने पंजों को टेबल के आसपास ले जाकर वेट को ही बहुत बुरी तरह से भी मार डाला था। वहीं इसी बीच एक छोटा सा मॉन्स्टर बार के अंदर आ जाता है। लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वो यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और यहाँ मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि हार्ली मॉन गन लेकर भी मॉन्स्टर पर निशाना नहीं लगा पा रहा था। फिर वो गन से मॉन्स्टर की तरफ शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली मॉन्स्टर को ना लगकर टेलीफोन पे जाकर लग जाती है, जिससे कि फोन भी टूट जाता है और अब वो लोग पुलिस को भी अपनी हेल्प के लिए वहाँ पे नहीं बुला पाएंगे। वही मॉन्स्टर अपनी तेज स्पीड में हार्ले मॉन के पास आकर उसका एक पैर काट लेता है। साथ ही वो जसन नाम के एक बंदे की स्किन को बहुत बुरी तरह से फाड़ देता है और वो मॉन्स्टर फिर से इधर उधर भागने लग जाता है और फिर एक आर्टिफैक्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वहाँ बारटेंडर आकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली आर्टिफैक्ट में लगने की वजह से मॉन्स्टर नीचे एक संदूक में जाकर गिर जाता है, जिसे कि वो लोग फटाफट से बंद कर देते हैं। और वहाँ फिर वो एक शटर को देखते हैं, जिसमें से एक दूसरा मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर जहाँ बारटेंडर भागकर उस शटर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसको धक्का देकर गिरा देता है और अपने खाने के लिए हीरो की लाश को भी अपने साथ में ले जाता है। फिर जहाँ धक्का लगने की वजह से इस बार भी बारटेंडर की गन से शूट हो जाती है और फिर से बॉसमैन के पैर में गोली जाके लग जाती है। जहाँ फाइनली वो सब मिलकर अब किट को बंद कर देते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं। फिर बॉसमैन नीचे की तरफ आता है और वो अपनी सारी कंडीशन उन सबको बताता है। वहीं दूसरी तरफ टफी हीरोइन से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लग जाती है, जिस पर वो उसे ये बताती है कि मॉन्स्टर का सर किसी अजीब सी चीज से जुड़ा हुआ है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। फिर जहाँ टफी को अपने
बेटे की याद आती है और वो उसको लेने के लिए तुरंत ऊपर रूम में जाती है। वहाँ वो अपने बेटे को गोद में उठाती ही है, लेकिन तभी वहाँ विंडो से एक मॉन्स्टर आकर उसके बेटे को छीन कर अपने साथ में ले जाता है, जहाँ बारटेंडर फिर से उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर का वो बाल भी बाका नहीं कर पाता और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जहाँ मॉन्स्टर जाते वक्त उनके ऊपर अपने मुँह से एक लिक्विड फेंक देता है, जिससे कि बियर गाय उस लिक्विड से पूरी तरह से सन जाता है। वो मॉन्स्टर टफी के बेटे को ले गया था, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी और वो रोने लग जाती है, और हीरोइन उसे संभालती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। और वहीं बियर गाय जब अपना मुंह धोने के लिए जा रहा होता है, तो बाकी के सारे लोग पुलिस को कॉन्टेक्ट करने का आइडिया सोचने लग जाते हैं, जहाँ बॉस मैन उन्हें अपने रेडियो के बारे में बताता है, जिससे कि वो लोग पुलिस को इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते थे। लेकिन वो ऊपर की मंजिल पर रखा हुआ था, जहाँ बियर गाय की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी उस मॉन्स्टर के लिक्विड जैसी उल्टी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा था। जहाँ वो अपनी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करता है, लेकिन हीरोइन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और ये तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो वो उसे अपने कुंग फू स्टाइल में नीचे गिराकर उसे बैठा देती है और वो वहीं पे चुपचाप बैठ भी जाता है। और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुमसे ज्यादा बाहर जाने की मुझे पड़ी है, क्योंकि मेरी बेटी आखिर बाहर ही है। फिर जहाँ हीरोइन बाकी के सारे लोगों के साथ में बचे हुए गेट को ब्लॉक करने लग जाती है, जिससे कि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके, वहाँ टफी अपनी बेटे की मौत से सदमे में आ गई थी और वो एक कोने में बैठी हुई थी, जहाँ पे हॉट व्हील्स नाम का बंदा उसके पास आता है। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर उन्होंने बॉक्स में बंद करके रखा था, वो आवाज करने लग जाता है, जिससे कि वो लोग उसको मारने का डिसाइड करते हैं। जहाँ बॉस मैन संदूक में बहुत सारी गोलियां मारता है और वो उसे चेक करने की कोशिश करते हैं, और जब वो उसे खोलते हैं तो वो मॉन्स्टर मरा नहीं था बल्कि जिंदा था, और वो बॉस मैन को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी हीरोइन वहाँ पर आ जाती है और उसको बचा कर मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चला देती है, जिससे कि वो फाइनली मर जाता है। लेकिन इस बीच उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई थी और वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जहाँ उनमें से एक बंदा उन्हें ये कहता है कि उन सबको बहुत ही चालाकी से मॉन्स्टर से बिना लड़े ही पीछा छुड़वाना होगा, जिसके लिए वो सब लोग उस मरे हुए मॉन्स्टर की लाश को बाहर फेंक देते हैं, ये सोचकर कि बाकी के मॉन्स्टर उसे देखकर डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन फिर उन्हें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिन्हें की उन लोगों ने मारा था, वो बाहर खड़ी मॉन्स्टर फैमिली का बच्चा था। जहाँ अपने बेटे को मरा देखकर मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर अपने ही बच्चे को निगल जाते हैं, जहाँ तुरंत ही वो लोग दो और मॉन्स्टर बेबी को जन्म देते हैं। ये देखकर बाकी के लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब मॉन्स्टर गुस्से में उन पर हमला करेंगे। जहाँ बॉस मैन हीरोइन से इन सब के बारे में अब सीधा सीधा पूछने लग जाता है, जहाँ हीरोइन उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो लोग अपनी बेटी को नानी के घर छोड़कर आ ही रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से टकरा गया था, जिससे कि वो वहीं पे मर गया था, लेकिन बाकी के चार मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गए थे। जहाँ बॉस मैन हीरोइन पर अब इन सब का इल्जाम लगाते हुए ये कहता है कि उसकी वजह से ही मॉन्स्टर ने बार को घेर लिया है। फिर जहाँ बॉस मैन और हीरोइन दोनों ही एक दूसरे पर गन तान कर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, वहीं बियर गाय की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जहाँ वो उन सब के सामने बच्चों की तरह रोने लग जाता है। बॉस मैन गुस्से में आकर उसे वहाँ से भगा देता है कि तभी बियर मैन एक खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर उन मॉन्स्टर्स को देखने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और स्पीयरमैन की आंखों को फोड़ देता है, जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, और बाकी लोग उसे दूसरे कमरे में ले जाकर रख देते हैं और अपने हथियार इकट्ठे करने लग जाते हैं। जहाँ बॉस मैन उन्हें गोलियों के बारे में ये बताता है कि बाकी गोलियाँ बेसमेंट में रखी हुई हैं। जहाँ हीरोइन और टफी फिर नीचे बेसमेंट में जाने लग जाते हैं गोलियाँ लेने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ वोजो और बारटेंडर कमरे में रेडियो लेने के लिए जाने लग जाते हैं। फिर जहाँ ऊपर कमरे के बाहर पहुंचकर बारटेंडर वोजो को धक्का देकर कमरे के अंदर फेंक देता है और बाहर से रूम को बंद कर देता है, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर बाय चांस कमरे में घुस भी जाता है तो उसके चक्कर में बाकी लोग ना मर जाएं और बाकी सब बच जाएं। जहाँ वोजो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है और उस कमरे से होते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहां उसे फाइनली रेडियो भी मिल जाता है। वो रेडियो से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा होता है और अपना एड्रेस बताकर उनसे हेल्प मांग ही रहा था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर अंदर घुस आता है, जिससे कि वो देखकर बाहर भागने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जहाँ बारटेंडर चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि हड़बड़ाहट में ही उससे चाबी टूट जाती है,
और वहीं अंदर बूसो बहुत ज्यादा डर गया था और वो जोर जोर से खोलने के लिए चिल्ला रहा होता है कि तभी वहाँ पे हीरोइन आ जाती है और वो अपनी हेयर क्लिप से दरवाजा खोलकर बूसो को बाहर निकाल लेती है और दरवाजे को फटाफट से वापस से लॉक कर देती है जिससे कि मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। लेकिन इसी बीच मॉन्स्टर का एक छोटा सा पीस कटकर बाहर निकल जाता है जो कि नीचे सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बूसो के भाई हॉट व्हील्स के पास जाकर गिर जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन बूसो फिर वहाँ पे उस मॉन्स्टर के पीस पर चढ़कर उसका कचुम्बर निकाल देता है और अपने भाई को शांत कराने लग जाता है, जहाँ उन्हें ये पता चल जाता है कि मॉन्स्टर अब बाहर की दीवारों को ही तोड़ रहे हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग अपने अपने हथियारों से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर मॉन्स्टर तभी दीवार तोड़ना बंद कर देते हैं, सो इसलिए वो लोग यहाँ पर मरने से अच्छा बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। वहीं बियर गाय को होश आता है और वो उन्हें बेसमेंट के दरवाजे से होते हुए बाहर निकलने की एडवाइस देने लग जाता है, जहाँ वो उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मॉन्स्टर के बारे में वो सब कुछ जानता है। बियर गाय की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। फिर हीरोइन बॉसमैन की ट्रक में बैठकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और बाकी के लोग तब तक मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आइडिया सोचने लग जाते हैं। इसलिए वो हार्ली मॉम, जिसका की पैर कटने की वजह से डेथ हो गई थी, वो उसकी बॉडी को वहाँ पर लेकर आते हैं और उसकी लाश पर बॉम्ब लगाकर वो बाहर उस मॉन्स्टर पे फेंकने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हीरोइन और कोच बेसमेंट में जाते हैं और हनी पाई बियर गाय को रिलैक्स करवाती है, जहाँ वो बियर गाय की आंख में देखती है जिसमें की कीड़े ही कीड़े भरे हुए थे, इसलिए उसे उल्टी आ जाती है। वहीं हॉट व्हील्स कॉकटेल बॉटल का यूज करके बहुत सारे बॉम्ब बनाने लग जाता है। वो हार्ली मॉम को बॉम्बर मैन बनाकर ऊपर की तरफ ले जाने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर के ऊपर उसे फेंकने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो तो जिंदा है। सो अब इसलिए बूसो उसको ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि बॉसमैन के पास कोई और चारा नहीं था यहाँ से जिंदा निकलने के लिए, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता कि तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और वो हार्ली मॉम को खींचते हुए अपने साथ में ले जाता है, जहाँ बूसो को भी कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था तो इसलिए वो जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि नीचे गिरकर हार्ली मॉम और मॉन्स्टर दोनों ही मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हीरोइन और कोच बाहर निकल गए थे, लेकिन वो लोग ट्रक तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हीरोइन की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, जिस कारण से वापस भागकर बाहर की तरफ आने लग जाते हैं और गेट खोलने के लिए कहते हैं, जहाँ हनी पाई उनके लिए गेट खोलने जा ही रही होती है कि तभी बियर गाय गन लेकर उसे गेट खोलने से मना कर देता है और उसे धमकाने लग जाता है क्योंकि इससे शायद मॉन्स्टर भी अंदर आ सकते थे, जहाँ इसी बीच मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं और वो हीरोइन को पकड़कर अपने साथ में ले जाते हैं। और वहीं टफी भी बियर गाय की गन छीनकर उसे नीचे गिरा देती है ताकि बियर गाय उनके लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। वहीं ऊपर की तरफ बॉसो और बॉसमैन में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर, और जब लोग लड़ रहे होते हैं तो बॉसमैन की गन बूसो के पास आ जाती है कि तभी वहाँ पर उन्हें अपनी तरफ एक मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से बूसो घबरा कर बिना कुछ सोचे समझे ही मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लग जाता है। लेकिन असल में वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि हीरोइन थी जो कि उस मॉन्स्टर से कैसे ना कैसे करके बच गई थी, लेकिन अब वो बेचारी बूसो के हाथों मारी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ टफी को हीरोइन का वो लेटर मिलता है जो कि उसने अपनी बेटी के लिए लिखा हुआ था, क्योंकि टफी ने भी अपना बेटा खोया था इसलिए उसके अंदर की ममता जाग जाती है और वो फुल जोश में आकर वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। साथ ही वो बाकी सबको भी मोटिवेट करने लग जाती है। एंड गाइस, यहाँ से ही इस सीन के बाद मूवी में इसको हीरोइन 2 का नाम दे दिया गया है। लेकिन बॉस फ्लोर पर ही लेटकर आराम फरमा रहा होता है और वो सबको ये कहता है कि ये सब बकवास प्लान है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर फ्लोर को तोड़ते हुए बॉस मैन के आर पार अपने पंजे घुसा देता है जिससे कि वो वहीं पे मारा जाता है और उसकी बॉडी को मॉन्स्टर अपने साथ में ले जाते हैं खाने के लिए। वहाँ जो फ्लोर में होल हो गया था उसे फटाफट से बूसो भर देता है। फिर वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को कोच दिखता है जो कि ट्रक लेकर आ रहा होता है उन्हीं के पास में, जहाँ वो लोग करीब से देखने पे उन्हें ये पता चलता है कि वो खुश नहीं है बल्कि वो तो मॉन्स्टर है जिसने कि कोच के सर को अपने अंदर फिट कर लिया था। वहीं मॉन्स्टर बार के गेट को धक्का मार मार कर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें सब लोग काफी घबरा जाते हैं और वो कुछ दूसरा प्लान सोचने लग जाते हैं। बारटेंडर बियर गाय को कॉकटेल बॉम्ब देता है, साथ ही बाकी के लोग ड्रम को स्लाइड पर से लुढ़काने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ बूसो जैसे ही गेट खोलता है वैसे ही बाकी के लोग ड्रम को मॉन्स्टर के ऊपर लुढ़का देते हैं जिससे कि मॉन्स्टर थोड़ा पीछे की तरफ हटने
करने लग जाता है और मौका पाते ही वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर देखते हैं, उन्हें वहाँ पर हनी पाई दिखती है जो कि एक ड्रम में बैठकर बाहर निकल गई थी और अब वो ट्रक में घुसने में भी कामयाब हो गई है। जहाँ अंदर बैठे हुए सब लोग को लग रहा था कि वो लोग सेफ है, वो लोग बच जाएंगे और वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हनी पाई उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन वो उन्हें धोखा देकर ट्रक को अकेले ही लेकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर फाइनली दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अंदर आ जाता है और जहाँ सब लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ शोर सुनकर पियर का एक कॉकटेल बॉम्ब और लाइटर लेकर आता है, लेकिन मॉन्स्टर उसको देखकर उसके पास आ जाता है जहाँ वो बहुत ही बुरी तरह से उसके सर को फोड़कर उसे मार डालता है। फिर पोसो वहाँ पर आकर पाइप से मॉन्स्टर को गले के बल नीचे गिरा देता है और हीरोइन टू अपनी शॉर्ट गन से उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गन में तो गोलियां ही नहीं थी जिस वजह से वो एक ट्रिक का यूज करती है और अपनी गन से ही उस मॉन्स्टर को मार देती है, उसका खात्मा कर देती है। जहाँ बारटेंडर भी मॉन्स्टर के पास खड़ा था और वो मॉन्स्टर मरने से पहले ही बारटेंडर को भी अपने साथ में मार देता है। जहाँ हीरोइन टू वहाँ से खड़ी होती है और बाहर उगते सूरज को देखने लग जाती है और पोसो भी अपने भाई हॉट व्हील्स को उठाता है और वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। जहाँ हीरोइन टू हीरोइन वन की बेटी का लेटर देखती है, फिर जहाँ वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो उसकी बेटी के पास जाएंगे जो कि उस शहर में ही थी। और वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी जो कि डर के मारे स्टोर रूम में छुप गई थी, जैसे ही सुबह होती है वो बाहर निकल कर आती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पे उसे खा जाता है। इसी के साथ इस हॉरर कॉमेडी मूवी का भी दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले एक लाइक जरूर करते जाइएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।